भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पढ़े लिखे युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, एक बड़ा मजाक किया है, उसी के लोग लेकर पैंथर्स पार्टी आज सड़कों के ऊपर निकली है, अपने विरोध का इजहार कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी को आज कटघरे में खड़ा कर रही है पैंथर्स पार्टी, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा धोखा नौजवानों के साथ किया। इलेक्शन के दौरान ये कहते थे घर घर में नौकरी देंगे, 7 साल हो गए हैं ये वादे किए हुए, और 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात की थी नरेंद्र मोदी जी आपने 2014 के इलेक्शन में। 7 सालों के बाद भी आज नौजवान जो है वो जूं का तूं है, और सड़कों के ऊपर आपने नौजवानों को बिठा दिया है। आज हर चौक के ऊपर आप देखेंगे कि नौजवान धरना लगाकर बैठा है, बीजेपी के दफ्तर के बाहर बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स ने धरना दिया हुआ है कि उनके साथ जो वादा किया गया था उनको अब्सॉर्ब करने के लिए उस वादे की वादा खिलाफी क्यों हुई है। और ना केवल बीएसएफ और सीएसएफ एस्पिरेंट्स के साथ जो गलत हुआ है, बल्कि बाकी तमाम कैटेगरीज के जो यूथ हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, उनके साथ भी वादे किए और फिर उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। बहुत सारे डेली वेजर्स हैं जिन्होंने खुदकशी करने के ऊपर मजबूर हो गए, क्योंकि अपने परिवार का पालन पोषण वो लोग नहीं कर पाए। इसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग जो थे, जो रेगुलरली अपॉइंटेड थे, उनको भी बाहर निकाल दिया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में समाग्रा के तहत जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स थे, जिनकी सैलरी भी केंद्र से आ रही है, उनको भी बाहर निकाल दिया गया। इसी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, उनको भी बाहर निकाला गया। इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने नौजवानों के साथ जो एक भद्दा मजाक किया है, उनको बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाए, उसके बाद उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। और आज इस महंगाई के दौर में जो हशर भारतीय जनता पार्टी ने इन नौजवानों के का किया है, उसकी हम सख्त शब्दों में ना केवल मजम्मत करते हैं, बल्कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जवाबदेह बनाएगी पैंथर्स पार्टी, और इस लड़ाई को नौजवानों के साथ मिलकर जो है पाए तकमील तक ले जाएगी।